the operation. There goes our results. Thank you, thank you. District Horticulture Officer. मैं आपको संतर ध्यान मुद्दों करता हूँ सबसे पहले आप लोगों का मैडीएच साहब और एलआई डिपार्टमेंट के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो सर ट्रेनिंग दी थी आज मैं चु आप मतलब ये ट्रेनिंग है कंकर सीखे लेके बने अस्सलाम वालेकुम अजय साहब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वर्दी हालांकि अथ शिकायत सो पर्सनल डिजाइन मोद यहाँ पर एक प्रोग्राम हो गया जो यहाँ पर प्रधानमंत्री फूड प्रोडक्शन माइक्रो यूनिट के लिए इन्होंने बुलाया था यहाँ पर इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मुजफ्फर साहब थे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सरदार जी थे जितने भी डॉक्टर साहबान और सेक्रेटरी से कुछ बंदे भी आए थे यहाँ पर जो इन नौजवानों को सिखाने के लिए आए थे कि ये कैसे चालू करने हैं कैसे चलाने हैं ताकि ये नौजवान लोग जो यहाँ पर आए हैं इनको इसको चलाने के लिए यहाँ पर हिदायत दिए गए हैं ये अपना रोजी रोटी कमा सके ताकि यहाँ पर जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनके लिए यहाँ पर बैंक भी आया था कि शिकायत आ रही है कि बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं लेकिन आज यहाँ पर हमने उनको क्लियर कर दिया है कि इनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो उनको मुहैया करेगी ताकि अपना रोजी रोटी खुद कमा सके और मैं तमाम जितने भी यहाँ पर नौजवान बेरोजगार है उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अच्छी तरह से अपने यूनिट चलाएँ ताकि उनका रोज़गार भी मिले और दूसरों को भी रोज़गार दे सके शुक्रिया क्रीरी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस जो क्रीरी है इसमें आज हमने ओडी और पी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया था एक प्रोग्राम किया इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी शिरकत की और इसमें बैंक से भी अधिकारी आए थे हॉस्पिटल से भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी और सेक्रेटरी से भी जो रिसोर्स पर्सन है उन्होंने भी वो लोगों को समझाया कि स्कीम क्या है पी एम एफ एम प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग तो वो जो उनका जो एक्स्ट्रा जो यहाँ बचता है जैसे एप्पल में वो पलक के कारखाने या जाम बनाने का या जेली बनाने का इस तरह से दूसरे जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनके हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे और इसके हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे और इसमें क्या प्रोसेस है तो ये आज यहाँ लोगों को समझाया जाए जवानों को समझाया जाए इसमें पी आर आई ने भी शिरकत की इसमें डीडीसी चेयरमैन डीडीसी डिप्टी चेयरमैन डीडीसी और चेयरमैन बीडीसी उसने भी शिरकत की तो उन्होंने भी लोगों को इसमें काफ़ी सहायता की और वो ये भी कि लोगों को जो इसमें शिरकत नहीं कर सके घर घर जाकर दीजिए मुहिम चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जवान इसमें आए ताकि बेरोज़गारी का फायदा हो सके।